आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद, ये मेरे लिए एक ताकत के रूप में काम करता है। उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय भाई और बहनों, मैं यहाँ पर अभी सुन भी रहा था और देख भी रहा हूँ कि मेले हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करने के मंच हैं, उनको उजागर करने के मंच हैं, जो हमारे रवाई की संस्कृति है, जो हमारी रवाई की परंपरा है, जो रवाई का रिवाज है हमारा, वो हमारे इन मेलों के माध्यम से सही रूप में जो है प्रदर्शित हो, सही रूप में उसका प्रकटीकरण हो। और जो प्रकटीकरण और प्रदर्शन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, आप सबको देखने को मिल रहा है, तो मैं आयोजन समिति का भी और आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ आप सबको कि जैसे कहा भी गया है कि ये मेले और संस्कृति हमारी परंपराएं, इसके आगे सारी राजनीति बौनी है। हम सब लोग इस माटी के पूत हैं, इस माटी के से उपजे हैं, इसलिए सबसे पहले इस माटी की संस्कृति, इस माटी की परंपरा, इस माटी के रीति रिवाज, उनको संजोने का, उनको संवारने का, उनका परिवर्धन और संवर्धन करने का भी जो है सबसे पहले हमारा कर्तव्य भी है। और उसको इस मेला समिति ने, आयोजन समिति ने जिस रूप में उसको प्रकट किया है, मुझे देखकर और आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही होगी कि चाहे हम किसी भी दल के लोग हैं, चाहे किसी भी तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन रवाई की संस्कृति के लिए, रवाई के परंपराओं को उसका संवर्धन करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए हम सब एक मंच में एकजुट होकर के, एक ताकत बन करके अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां कहा भी गया, और वैसे भी मित्रों, राजनीति तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई के लिए होता है जब लड़ाई का समय होता है। तो जब लड़ाई का समय होगा, जब शंख बजेगा, तो अपने अपने ध्वज, अपने अपने रथों पर सवार होकर के, अपने अपने धनुष बाण लेकर के, अपने अपने तलवारें लेकर के सब मैदान में आएंगे। लेकिन अभी शांति का काल है और सभी, चाहे योद्धा हैं, चाहे रथी हैं, चाहे महारथी हैं, चाहे सैनिक हैं, वो सब जो है रवाई के सैनिक, पुरोला के सैनिक। हमने सब ने मिलकर के पुरोला के विकास की लड़ाई को, रवाई के विकास की लड़ाई को, उस लड़ाई को लड़ करके जो है हमने आगे बढ़ना। और जब वो लड़ाई जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको जीत करके जब कोई भी प्रतिनिधि, चाहे हमारे ग्राम प्रधान हो, सम्मानित ग्राम प्रधान, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ।